जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैर कैसे होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को शादोबाद रहे, डेरों खुशी से नवाजें। इस दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट बहन भाइयों से कि यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं जी, और रास्ते में हम गपशप लगाएंगे, वो भी देखिएगा। और इंशाल्लाह जो है ना वो वीडियो वहाँ जाके बनाएंगे, और ज़बरदस्त जो है ना वो वीडियो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलें जी, व्लॉग का आगाज कर रहे हैं। बेटा ऑरेंज पाइए या ब्लू पाइए? ऑरेंज। ऑरेंज पाइए। मम्मा ने ये जान का पहला ऑरेंज है ना, ये वाला देखते हैं। नहाई नहीं करनी थी, मैंने कहा थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। हाँ जी, वाह भी वाह, बुकड़ी टट्टी ठंड लग रही है। अच्छा, याद ही नहीं सी भी ऐसा एक दो सूट रेडीमेड भी है। अच्छा, पहले मैं रखे से चाची जी आनी आन गए ना, फिर बच्चे दे नवे नवे। सही है। फिर मैं क्या, चलो जी नानक कहते हर हमेशा पुराने ही पा के जाता। जो अदन बार छोटे होंगे सके ना, मैं अदन से जरा एक दफा सूट पा के लै जाना, दोबारा नहीं कहते पा के लै के गई, क्योंकि लॉन वगैरह से गर्मिया सी सिलाई कर लेते सही सही है। कपड़े जेड़े है ना, इन्हे कहना मेनू उत्थे नीचे छड़ो, मैं तुरना रोड़ना। वाह भाई वाह, ऊपर ऊपर तो पहन की दिखाओ जान, कैसा लग रहा है मेरा जान, जान मेरा छोटा सा हीरो लग रहा है ऐसे खड़े तो। वाह भाई वाह, कितनी जबरदस्त सोनी पैंट, न्यू पैंट। हां जी वाह भाई वाह, तेरे बाल पकड़े तो छाड़। चल चलो 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 चलो, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में खड़े तो हो जाओ ना, ये नाला तो पांच नाला बन लिया। चलो चलिए, बप्पर पहने, चलो नाले की जरूरत नहीं थी। ये कैसे काटे हैं ये कैंची से, नहीं पता तो लगे जियान न्यू सूट नहीं काट दी था वा। जियान ने मेरे बाल पकड़े हुए, जियान छोड़ नहीं रहा, छोड़े चुप जंदा वा। हाँ चलो 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 चलो, सर्दी लगती पी है जियान, चलो 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 चलो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ज्यान दिया सोनिया तैयारियां। क्या कहने क्या कहने, ज्यान बहुत अच्छा बच्चा, ज्यान ज्यान गुड बेबी। ज्यान है ना, हाँ भी खड़े हो कि तो कपड़े खड़े हो ना, उन्हें मुंडे ने ना उस दिन दो चार इंग्लिश दे लफ्ज भी बेच बोल देते। इस तरह के लफज तो फिर सारे नहीं आंदे। अच्छा हांजी हांजी, वाह वाह बहुत प्यारी है, सही है। अदन ने भी न्यू शूज पहन ले, तैयारी कर ली है, ते उमार ने भी कर ली है, ज़ियान ने भी कर ली है, ते हुण असी जिहड़ा ना तैयार हो गए हैं, हुण असी चलते हैं जी। मैं तो ज़ियान जा रहे हैं फैक्ट्री चो पापड़ लैन वास्ते, तो असी क्या भी पापड़ ले आइए। अच्छा मेरे नाल चलिया मेरा बेटा। अच्छा है हाँ जी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा जी पापड़ ले ले, हाँ दिखा तो रे, मज़ेदार। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मज़ेदार। फैक्ट्री चो हुण लै के असीं जा रहे हैं जी। अच्छा
रखिए डिग्री की बैग। चलो जी। अच्छा जी गड्डी च बह गए हैं, हम असीं जा रहे हैं ते सियान बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश है गड्डी च बैठ के ते अल्लाह खरीयत ना सफ़र करावे। अच्छा जुम्मे का दिन हम बिल्कुल बाजार सुनने कोई कोई है जिन्हें शहर से दुकाना वा ना उन्होंने खोलिया हुई बाकी सारे बाजार बंद आ। हाँ जी जिदा हम असीं शहर से बैठे लाल चना भी चलो एक अद्धा भी गाहक पै गया तो अभी शहर में लगाने बेटा शहर का सीन ले रहे हैं। अच्छा बहुत ही खुशी वाली गल आ असि अज न्यू बेबी देखन जा रहे हां इन्नी खुशी वाली गल आ ना कहंदे जदों दुनिया ते कोई नवी रूह आंदी आ ना हां जी ते उन देखना भी चाहिदा वा बिल्कुल ते खुशी भी मेनू तां बहुत ज्यादा वा अपनी भतीजी देखन जा रही हां जी। अच्छा जी इत्थों दे पापा पत्थर दा रेट पुछण लगे आ देखो इधर पत्थर ही पत्थर पिया वा जा रहे आ पुछण पता नहीं लिया ते है वा हुण होर की पुछना वा जी पत्थर का रेट पूछ लिया वा असीं इत्थों जा रहे हैं सड़क ते चढ़ गए हैं। हाँ जी अगे असीं जांदे सी हर 15-20 दिन बाद 10-15 दिन बाद हुण असीं जिहड़ा ना असीं जाने आ 2 महीने हो गए मैनूं मकाना च मसरूफ हाँ मैं ते इस वजह तो मैं काफ़ी अरसे तो बाद जिहड़ा ना वो जा रहा वा ते मैं क्या सुमेरा नूं कहा मैं क्या भी चलीए फिर चाचू जी ने ते चाची ने आ जाना ते फिर साढ़े तो जाया नहीं जाना असीं अपने मसरूफ हो जाना हर रोज जिहड़ा ना बोलदा साढ़े कोल टाइम भी नहीं सी जाना ते बिल्कुल क्योंकि असीं कुछ चीज़ां वगैरह भी लैणियां तुसीं जिद्दण आंदे हुंदा जुमा शहर बंद हाँ जी शहर बंद हुंदा इस तरह ही आ लेकिन वो हुण जिहड़े समान वगैरह जिहड़ियां चीज़ां लैणियां वह तो लैनियाँ लैनियाँ ना चाहे जिस तरह मर्जी हो जाए वह तो हुण खरीदनियाँ खरीदनियाँ। चाचू जी कह रहे थे कि मेरी ना हफ्ते की फ्लाइट सी टिकट सी ते मैं ना कैंसिल करवा दिती आ क्योंकि अगे ओ तैयारियां नहीं होईयां हां जी अगे ओते ना दरवाजे लगे हां जी ते ना ही वॉशरूम मुकम्मल होया हां जी ओ चीजां ता जरूरी सी ना भी एक दो रूम तैयार होंदे हां जी ते वॉशरूम तैयार होंदा हां जी ए दोनों चीजां नहीं मैं पहले दसे सी इस हफ्ते चाचू जी नहीं आ सकदे चीजां नहीं तैयार होनी हां जी ते हुण अगले हफ्ते तक भी हो जां ते बड़ी गल आ इस तरह ही आ बिल्कुल पता की आ इस नूं कम अज कम साढ़े जिहड़े अगला पोर्शन असीं शुरू कीता ना वो अगला पोर्शन जिहड़ा ना वो टाइम बहुत ज़्यादा लै गया उन्हां नूं नवें सिरे तो चक्या ठीक है ना ते फिर बहुत ज़्यादा एक शोर आंदा वा शीशे उपर करने पैने आ फिर शोर ज़्यादा आ रहा गड्डी च। ज़ैन की कहना ज़ैन कह रहा मैं नानू की घर जा रही हूं देखो कतार रात नहीं वो एक जीप जी सजाई हुई है दो बोल लाए हैं। अच्छा जी इतों स्टाफ तो नंगे है ना ते मैनू गल याद आ गई मेरा ना नवा नवा बच्चों विआह होया सी ते मैं इतने स्टाफ ते उतरिया लाहौरों आया सी मैं ते फैक्ट्री च कम करदा सी ते उतों मैं आया ते आके ते स्टाफ ते उतरिया ते मैं ना इतने टुटिया टुटिया जी कारा खड़िया सी 82 मॉडल 80 मॉडल 76 इस तरह दी गड्डियां खड़िया सी उन्होंने मैं आके पूछा मैं क्या भी मैं जाना वा ते तुसी किराया दसो की उन्होंने कहा 500 रुपया उदो 100 रुपया लाहौर का किराया सी ठीक है मैं क्या तो नहीं मेरा क्या नहीं नहीं 100 रुपए सी नहीं ना ना मैं छोटी जी हुंदी अपनी अम्मी जी उन्होंने फैसलाबाद गई सी इमारत ना 300-300 रुपया तो उदो उन्होंने लिया सी फैसलाबाद मुल्तान का किराया किन्ना उमर नु पूछ लो मुल्तान का किराया किन्ना मार के मैं केड़ा किराया लेके गया मैं तो अपनी गड्डी ते गया सी हां जी नहीं जानते हुए ता किसी और दी गड्डी ते गए सी ते आंदे हुए अपनी गड्डी ते आए सी। अच्छा सही ठीक गड्डी दा किराया सी 5000। अच्छा YouTube
चैनल होंदा बनाया होंदा उस वक्त मैं ना पूरी पूरी अपनी शादी दी वीडियो जिहड़ी ना यूट्यूब चैनल ते शेयर करनी सी अपने देखने वाले भैन भरावां नाल ते बहुत ही इंटरस्टेड वीडियो सी ते हजे भी जिहड़े मेरे रिश्तेदार जिहड़े आए सी ना दूरों दूरों ओह ना हजे भी मेरी शादी नूं याद करदे ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਸਰੁੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੇ ਛਿੱਟਾ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨਿਸਰੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਛਿੱਟਾ ਨਾ ਕੱਢ ਲੇਗੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਬਹੁਤ ਪਛੇਤੀ ਆ ਨਾ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ लेकिन बहुत ही मुश्किल फैसला था जो हमने किया ये भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं तो इस वजह से हमने कहा कि ये काम सबसे पहले किया जाए इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे अल्लाह हाफिज़।